अंगूठा सर से लेके गर्दन तक ऐसा अंगूठा आपके सिर का परचायक है, अंगूठा आपके सिर का परचायक है तो है। और ये बीच की दो उंगलियां दोनों पैर दोनों टांग, लेफ्ट फुट राइट फुट, ये दो उंगलियां दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हथेली में बहुत सारे पॉइंट होते हैं हथेली में, हेल्थ इन योर हैंड, आपका हेल्थ आपके हाथ में, आपका हेल्थ आपके हाथ में। इस छोटे से रिंग से साधारण से रिंग से आप अपनी पांच उंगलियों में सही तरीके से मसाज करते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बताएं, ऐसा अच्छा दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, क्यूट दिख रहा है, परचेस करने के बाद, लेने के बाद, खरीदने के बाद उंगली में ऐसा डाल करते हैं, ऐसा फायदा करेगा साधु मंत्र, फायदा करेगा, ऐसा फायदा करता नहीं, ऐसा उंगली में डाल के रखने से फायदा नहीं करता, अप एंड डाउन ऐसा मसाज करते हैं, बहुत सारे तकलीफों में आराम होता है, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में थकान होना, चक्कर आना, हाथ में कपकपी होना, शरीर में दर्द होना, मोंगी आना, ब्लड से रिलेटेड हर तकलीफों में फायदा करता है, ब्लड से रिलेटेड हर तकलीफों में फायदा करता है। जिस किसी को भी इस फिंगर मसाज रिंग से दोनों हाथों के 10 उंगलियों में मसाज करके देखने की इच्छा है, बेशक हाथ में लेके मसाज करके देखें, फायदा लगता है, लाभ लगता है, आराम लगता है, रिलीफ होता है। घर में किसी की जरूरत है, परचेस करने की इच्छा होती है, प्राइस 10 रुपीज़, 10 रुपये का साधारण सरिंग जो दिखने में लोगों को मदद दिखता है लेकिन फायदा करता है तो करता है। अंगूठा आपके सिर का परचायक है, अंगूठा आगे का फेस और बैक गर्दन, बैक गर्दन आगे का फेस, बैक गर्दन, और ये बीच के दो उंगलियां दोनों पैर दोनों टांग, बीच के दो उंगलियां दोनों पैर दोनों टांग, नी घुटना कमर, नी घुटना कमर, और ये दो उंगलियां दोनों हाथ, दोनों हाथ, अंगूठा सिर का परचायक है तो है, आगे का फेस, बैक गर्दन, हाथ में और पैर में पूरी बॉडी के पॉइंट्स, हाथ में और पैर में पूरी बॉडी के पॉइंट्स, हाथ में और पैर में पूरी बॉडी के पॉइंट्स, हाथ में और पैर में पूरी बॉडी के पॉइंट्स, और ये बीच की दो उंगलियां दोनों पैर दोनों टांग, दोनों पैर, दोनों पैर, नी घुटना कमर, नी घुटना कमर, और ये दो उंगलियां दोनों हाथ, नी घुटना कमर, नी घुटना कमर, बीच की दो उंगलियां। Hello, what's up?
उंगलों में आपके हाथ में, कनबड़े क्षेत्र में दर्द उसके पॉइंट उंगलों में आपके हाथ में, सर के पीछे भाग में दर्द उसके पॉइंट उंगलों में आपके हाथ में, बहुत सारे पॉइंट के बारे में जानकारी दिया हो, एक ब्रेसलेट रिंग का एक छोटी सी रिंग साधारण सा रिंग ये बायां हाथ और ये बीच के दो उंगलियां, दाहिना पैर और ये बायां पैर, और ये अंगूठा हमारे सर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा है। इन पांच उंगलियों को सही तरीके से आप मसाज करते हैं, बहुत सारे तकलीफों में आराम होता है। तो हमारे पास जो एक प्रेशर फिंगर मसाज है, एक छोटी सी रिंग साधारण सा रिंग, जो दिखने में लोगों को मजाक दिखता है लेकिन फायदा करता है तो करता है, छोटी सी रिंग साधारण सा रिंग, जिस रिंग से आप अपनी पांच उंगलियों में सही तरीके से मसाज करते हैं, बहुत सारे तकलीफों में आराम होता है। सोचो एक प्रेशर फिंगर मसाज रिंग, एक छोटी सी रिंग साधारण सा रिंग, हेल्थ इन योर हैंड, आपका हेल्थ आपके हाथ में, आपका हेल्थ आपके हाथ में, हेल्थ इन योर हैंड। अंगूठा सर से लेके गर्दन तक का हिस्सा है तो है, अंगूठा आपके सिर का परिचायक है, अंगूठा आपके सिर का परिचायक है। और ये बीच के दो उंगलियां, दोनों पैर बस बीच के ऊपर से था, तो ये पौने 12 को जाती है ऊपर। भाजी
ट्रेन में बैठे हुए लोकल में सफर करते हुए सभी सज्जनों से गुजारिश है, निवेदन है, दो मिनट हमारे आवास के ऊपर ध्यान देंगे। चलते फिरते लोकल में, चलते फिरते जगह पे एक आदमी रहता है, यहाँ पर आता है, सिंगदाना बेचता है, फिर उसके बाद में कुछ बेचता है, मतलब हर कुछ करते करते। आज मैं इस मुंबई में आया था, जब ही आया था, मेरी कहानी है कि जब मैं मुंबई आया था 100 रुपये ले जाया था, 100 रुपये आया था, आया प्लेटफॉर्म पर, एज ए प्लेटफॉर्म पर मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पर सोया, चप्पल सर के नीचे, सीधे पेपर बिछाया, सो गया। सवेरे का टाइम उठा तो क्या नहीं मिला मुझे, मुझे एक व्यक्ति मिला, मुझे बोलता है काम करेगा। मैंने बदलापुर मुझे लेके आया, वहाँ से बदलापुर लेकर के आया, कहाँ पे, बदलापुर लाने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, मुझे हैंडल होता है ना कपड़े का लूम, वहाँ पे हैंडल मारने का 10 दिन मैंने किया, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता, 10 दिन का मैं बोला यहाँ फंस जाएगा तो फंस जाएगा, यहाँ से निकलने का, खुद का कुछ भी बेचूँ, चना बेचूँ, सिंगदाना बेचूँ, कुछ भी बेचूँ, मैं खुद खुद का बेचना चाहता हूँ। कामें बनने के लिए मैं मालूम है हर किसी को मैंने त्याग दिया है। घर वाले बोलते हैं कि वो काम मत करो, मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे करना है, नहीं होगा, या तो डेथ या तो वीन, या तो कामयाब बनना है या तो लोगों के नज़रों में गधा बन के रहना है। लोगों के नज़रों में गधा दिखता हूँ, सही है, गधा दिखता हूँ, लेकिन अगर मैं कामयाब बनता हूँ तो मेरी पूरी पूरी जो पीछे का पूरे सारे लोग मेरे साथ हो गया, गवर्नमेंट के खाते में अनलीगल है कि मैं लोकल में मार्केटिंग करता हूँ और ये ऐसा, वो पकड़ेंगे, फाइन मार दें, कुछ भी करते हैं, उनकी नज़रों में अनलीगल है, लेकिन लोगों के नज़रों में अनलीगल नहीं है। अगर पैकेट मार है तो लोगों के नज़रों में अनलीगल है और गवर्नमेंट के नज़रों में भी अनलीगल है, तो फिर मैं सही ना वो सही, मेरा सही, मतलब मैं लीगल अनलीगल कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के नज़रों में अनलीगल कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के नज़रों में मैं लीगल कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। भीड़ है लेकिन यहाँ पर इतनी सारे लोग हैं ना कि कुछ ना कुछ तो अलग 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 दिखता है। स्वार्थी नहीं है मुंबई, स्वार्थी नहीं है, हम अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, कुछ कुछ लेने के लिए, मुंबई से पाने के लिए, मुंबई स्वार्थी नहीं है, मुंबई से हम लोग कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ चाहिए यहाँ से, क्या चाहिए, हर कोई कुछ ना कुछ लेके ही आता है यहाँ से, मुंबई को दे के नहीं आते, जो भी है सच है, कुछ अपने आप को फील करने लगता हूँ लोगों पर, मैं थोड़ा ज़्यादा चिढ़ जाता हूँ, ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, और जब किसी चीज़ को जिद पकड़ लेता हूँ तो फिर उसको छोड़ता हूँ, पता नहीं क्या जिद मेरे को बहुत ज़्यादा जिद है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, वहाँ भी रह के तकलीफ ही है, यहाँ भी रह के तकलीफ ही है, जैसे लोग जी रहे हैं वैसे जीऊँगा, वहाँ भी रह के वही झेलना है, यहाँ भी रह के वही झेलना है, लेकिन कामयाब बन गया तो सबके लिए कर सकता हूँ। वहाँ से क्यों आते हैं लोग, इतने सारे लोग क्यों आए, कुछ तो तकलीफ रहेगा तभी तो आज मुंबई में आया पैसा कमाने, कुछ तो तकलीफ रहेगा, या तो पैसे का सबसे बड़ा पैसा, पैसे का तकलीफ है तो आज मुंबई में आए, तो तकलीफ तो हैगा वहाँ पर है, इसके लिए मुंबई में आते हैं, वो अपनी तकलीफ को पूरा करने के लिए, मैं भी अपनी तकलीफ को यहाँ, वहाँ भी पूरा हो सकता है, यहाँ भी पूरा हो सकता है, वहाँ भी मैं पूरा कर सकता हूँ लेकिन यहाँ भी पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए जो कि वहाँ पर नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल इंसान लोग जी रहे हैं वैसे नॉर्मल इंसान मैं भी जीता रहूँगा ना, मरूँगा तो जो भी है जैसे लोग जी रहे हैं वैसे जीऊँगा, वहाँ भी रह के तकलीफ ही है, यहाँ भी रह के तकलीफ ही है, वहाँ भी रह के वही झेलना है, यहाँ भी रह के वही झेलना है, लेकिन कामयाब बन गया तो
सबके लिए कर सकता हूँ मैं, कामयाब बन गया सबके लिए कर, सब कोई मुझे वाह वाह करेगा। उसने कोशिश जारी रखा, हार नहीं माना, अपना कोशिश जारी रखा, भूखा रहा, नंगा रहा, किसी तकलीफ में था, बीमार था, जैसे भी था, लेकिन वो लोग तो मुझे नहीं कहेंगे कि वो कोशिश पे जारी रखा, मतलब उसको मिला। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो मिलेगा कहाँ से? अगर मैं एक बार हार मान के बैठ जाऊँगा और वापस जाऊँगा, मतलब ही नहीं निकला था। कम से कम ये तो चिड़ है। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं। यहाँ पर आकर के आप मेरी बातें सुन रहे हैं। जी देना है, करना है तो करना है, कैसे भी करना है, मुझे भी करना है तो करना है। आज लोकल में मार्केटिंग करता हूँ, लोगों के सामने स्पीच देता हूँ, ये लोगों को कोई मुझे सिखाने वाला क्लास टीचर नहीं है। मैं अंदर के आत्मा से कि जीते मैं बेचूंगा, तो जीते तो जीते। अभी मेरे मम्मी पापा भी वहाँ भी तकलीफ में हैं, भाई लोग तकलीफ में हैं, लेकिन उस तकलीफ में जाकर के थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। अगर वो लोग यहाँ से सीखे हैं ना कुछ करने के लिए, मेरे भाई लोग, थोड़ा सा नॉलेज मुंबई में मैं लेके आया, छोटे छोटे भाई लोग को साथ में बुला के ले गया था, यहाँ पर नॉलेज कुछ ना कुछ तो अर्जित हुआ है, थोड़ा तो कुछ तो अर्जित दिया हूँ, कुछ तो दिया हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथ से नहीं दिया, कमा के नहीं दिया। वो चाहत पैदा कर दिया कमाने की तरकीब, उनके पास खुद पे खुद निकल आया। मर रहा हूँ तो किसका नाम लेगा, वो किसी का नाम नहीं लेता है, वो अपने बारे में सोचते सोचते लुढ़क जाएगा, बचते नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो बोलते हैं ना कि उनके बारे में सोच रहा है, कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है किसी के बारे में, वो सब अपने बारे में सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा। मैं एक बार मुझे लाइट का ना बोल्ट लगा था, तो एक बार लगा था जभी, तो मर जभी मुझे करंट पूरा पकड़ लिया था। मैं मुझसे एक बार माँ करके निकला, और उसके बाद मालूम है क्या हुआ, उसके बाद में लोग ऐसे ही मरते हैं। देश में सरकार कौन सी रहनी चाहिए? बीजेपी। बस ऐसे ही अच्छा है। कांग्रेस में अभी देखते ना, इतना तकलीफ आता है, शुरू से देख रहे हैं, जब से सुन रहे वही चीज़ होता है, बेचो खाओ, इधर उधर कुछ करो, वो बिक रहा है, वही हंगामा चल रहा है। गवर्नमेंट में क्या होता है ना, बदलता है ना, जब एक बार उसको उतरा, एक बार इसको चढ़ाया, एक बार उतरा, तो वो संभल के थोड़ा सा लेते हैं। लेकिन एक बार मालूम है क्या, एक बार किसी का राजा आ जाता ना, तो क्या सोचता अपने आप को, मैं साइंस था, कुछ भी कर सकता है। लालू प्रसाद मालूम है, 26 साल राज किया, पूरा बिहार को कचरा बनाकर रखा ना। इसी तरह से कांग्रेस क्या बोलता, हमेशा राज करेगी, तो वो कचरे बनाकर रखेगी ना, क्योंकि उसी का राज है ना। आज खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, अभी धोनी क्या करता है, कुछ नहीं करता है, क्यों लेके आता है अभी विश्व कप, क्यों लेके आ रहा है ये इसको, उसको 2020 वर्ल्ड कप क्यों लेके आता है, क्योंकि मालूम है क्या करता है, न्यू, वो हमेशा खोज करता है, हमेशा मालूम क्या कर रहा है, नए को लाकर घुसेड़ता है, क्योंकि जो पहले से है ना, उनकी फटनी चाहिए, वो अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहिए। इसी तरह से ये जो हर चीज़ को नया लाना चाहिए, कुछ तो नया।